खुद को नया तरीके से फील कर रहा हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि कैंप में आने से पहले तक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, कैंप कैसा रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट कपिल सर पर था और सारी चीज़ें ऐसी थी कि बहुत सारे सवाल मन में लेके आ रहे थे। लेकिन जब कैंप में आए तो धीरे धीरे डे वन डे टू डे थ्री बहुत जो क्लैरिटी थी थॉट्स की, वो क्लैरिटी धीरे 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 वहाँ पे आने लगी। और एक्सपीरियंस, एक ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आज तक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं मिला। मेमोरेबल मोमेंट तो वैसे पूरा कैंप ही मेरे मेमोरी में अभी एक नया घर कर चुका है, बट वैसे अगर देखा जाए तो दो तीन एक्टिविटीज थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही। सबसे पहले एक्टिविटी थी कि जो ट्रस्ट फॉल था, तो ट्रस्ट फॉल में ऐसा हुआ कि हमको पूरी तरीके से सरेंडर करना था और सरेंडर करके नीचे वाले हमारे जो टीम है टीम पे बिलीव करना था। तो मैंने पूरी तरीके से खुद को कपिल सर को सरेंडर कर दिया, बस उस एक मिनट के लिए उनके थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, उनके वर्ड्स मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और जब वो फॉल हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फॉल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो कि मैं पहले अगर कहीं करता या फिर पहले अगर मैं सोचता कि ऑलरेडी जो क्लटर है माइंड में, अगर वो क्लटर लेके चलता तो वो फॉल नहीं हो पाता। लेकिन जब कपिल सर से बात हुई प्रॉपरली, जब उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करवाई, तो वो फॉल एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ। सबसे पहला मोमेंट तो ये था मेरे लिए। और सेकंड मोमेंट था जब हमने फायर में हमारे जो बैड थॉट्स है या फिर जो चीज़ें हैं जो हमको रोक रही है, उन चीज़ों को जब हमने अग्नि को अर्पित किया, तो उसके बाद जो लाइटनेस थी माइंड की बॉडी की, तो वो एक अलग ही लेवल पे थी। उसके बाद जब खुद के बारे में सोचने के लिए बैठे तो एक खुद के बारे में इतने पॉजिटिव थॉट्स आने लगे, एक बहुत अच्छा फील वहाँ पर आया और एक नई लाइफ की तरफ जाने का जो एक पाथवे मिलना चाहिए, तो वो पाथवे वहाँ पे मुझे लगता है कि अब मुझे वो दिख रहा है। अगर इस कैंप को मैं रेट करूंगा तो 10 से ऊपर ही रेट करूंगा सबसे पहले तो। लेकिन इस कैंप में मैंने जो चीज़ें सीखी, तो मेरा दिमाग इधर इधर उधर थोड़ा थोड़ा भटक रहा था, तो मैं 9.5 में खुद के लिए दूंगा कि जो इस कैंप में मेरी अटेंटिवनेस थी, और जो 10 है तो ये पूरा इस ओवरऑल कैंप के लिए, कि इतनी सारी चीज़ें थी और इतनी सारी चीज़ों की क्लैरिटी थी, सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चल रही थी, जो प्रोसेसेस है, जो सारे एक्टिविटीज़ हमारे साथ हुए, तो हर चीज़ का एक मीनिंग था। मतलब हम नीचे ज़मीन पर बैठ रहे थे, उस ज़मीन पर बैठने का भी एक मीनिंग था, हम जिस तरीके से क्यू में रह रहे थे, जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, सारी चीज़ों का जो मीनिंग था, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया कर रहा था वहाँ पर।